नमस्ते, मैं सोनू गुप्ता भाजी वाला मुंबई से। दो दिन मार्केट बंद होने वाला है, इसके कारण आज सब्जियों की जो बाजार है सब्जी का बाजार बहुत बढ़ गया है। जो दो दिन पहले शिमला मिर्ची 40 रुपये किलो था, आज ये शिमला मिर्ची आज मार्केट में 140 रुपये किलो है। तो हम लोग किस प्रकार से सब्जी बेचा जाए। आज जो फ्लावर जो दो दिन पहले 40 रुपये किलो था, आज कॉलीफ्लावर मार्केट में 120 रुपये किलो है। इस प्रकार से सब्जी के एक सब्जी के नहीं, सब सब्जी के प्रकार सब बढ़ गए हैं। इसका कारण है जो एजेंट दलाल जो खेती से जो माल आ रहा है, जो खेती का माल जो 4 रुपये से सब्जी खेती से आ रहा है, ये दलाल लोग 7 रुपये करके दूसरा दलाल 8 रुपये कर रहा है। इसके कारण सब्जी का बाज़ार बहुत बढ़ रहा है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि एजेंट को दलाल को आप हटाने की कृपया करें। मार्केट बंद होने वाला है, इसके कारण आज सब्जी के जो बाज़ार थे, आज सब्जी के बाज़ार फ्लावर 120 रुपये किलो मार्केट में थे, 120 रुपये किलो मार्केट में फ्लावर थे, 100 रुपये किलो करेला थे, 80 रुपये किलो दूधी थे, 60 रुपये किलो टमाटर थे। ये भाव लेके हम लोग क्या भाव सब्जी हम लोग बेचा जाए। दो दिन जो मार्केट बंद होने वाले हैं, इसके कारण आज व्यापारी लोगों ने सब भाजी का भाव बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया। जो दो दिन पहले जो करेला 40 रुपये किलो थे, आज करेला 100 रुपये किलो करेले, 120 रुपये किलो करेले। तो हम लोग ये सब्जी क्या भाव में हम लोग बेचा जाए। फ्लावर आज 120 रुपये किलो है, तो क्या भाव बेचा जाए। शिमला 140 रुपये किलो है, मेथी के बाजार 40 रुपये है, पुदीना का बंडल जो दो दिन पहले जो 5 रुपये में आने गए, पुदीना का बंडल आज 30 रुपये में। इस कारण हम लोग ये सब्जी क्या भाव में बेचा जाए। आज सब्जी का ये हालत ख़राब है, तो कल जो दो दिन और बंद होने वाले हैं, इसका और हालत बहुत ख़राब होने वाली है। सरकार से गुजारिश है कि सब्जी का थोड़ा भाव कम करने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद।